भरूच जिला पनोता पुत्र स्वर्गस्थ हेमंत भाई पटेल की 74मी जन्म जयंती निमित्ते अंकलेश्वर पब्लिक स्कूल खाते जरूरतमंद परिवार की महिलाओं तेमज विद्यार्थियों ने कपड़ा गणवेश नोटबुक डायरा तेमज स्कूल बेग नो वितरण नो कार्यक्रम योजायो हतो। कांग्रेसना दिग्गज नेता और भरूच जिला पनोता पुत्र स्वर्गस्थ अहमद भाई पटेल की 74मी जन्म जयंती निमित्ते स्मृति अर्थे कार्यक्रम योजायो हतो। अंकलेश्वरना उमरवाड़ा रोड स्थित अंकलेश्वर पब्लिक स्कूल खाते योजायेला कार्यक्रम में स्वर्गस्थ अहमद भाई पटेल पुत्र फैजल पटेल और पुत्री मुमताज पटेल पब्लिक स्कूल ट्रस्ट प्रमुख नाजू पड़वाला सहित आगेवानो उपस्थित रहा था। आ कार्यक्रम में जरूरियातमंद परिवार की महिलाओं ने ड्रेस मटीरियल विद्यार्थियों ने यूनिफॉर्म नोटबुक डायरा तेमज स्कूल बेग वितरण करवामां आव्यु हतुं। उल्लेखनीय छे कि नोटबुक डायरा और स्कूल बेग पर अहमद भाई पटेल फोटा प्रिंट हो सौने आकर्षित कर्या। फैजल पटेल उपस्थित लोगों ने संबोधन करता जणाव्युं हतुं कि समाज में शिक्षण स्थान खूब उच्च है। अहीं जे मारा पिता श्री अहमद भाई पटेल की याद में नाजूभाई फड़वाला द्वारा जे शिक्षण में उपयोगी थाय एवी वस्तुनुं वितरण करवामां आव्युं छे ए प्रशंसा ने पात्र छे। वन शिक्षित थाय अने पोताना अने देशना विकास में फाळो आपे एवी शुभेच्छा पाठवुं छुं। आ कार्यक्रम में उपस्थित अहमद भाई पटेल की सुपुत्री मुमताज पटेले जणाव्युं हतुं कि अंकलेश्वर पब्लिक स्कूल में सहाय वितरण कार्यक्रम में घणी बधी महिलाओं बैठी है और घणी विद्यार्थिनीओ पण छे। त्यारे हूँ जणावुं छुं कि महिलाओं शिक्षित थवुं पड़शे, सारूँ शिक्षण मेळवुं पड़शे और समाजनुं घडतर में महत्वनुं योगदान आपवुं पड़शे। शैक्षणिक क्षेत्र अंकलेश्वर पब्लिक स्कूल जे शैक्षणिक प्रवृत्ति करवामां आवी रही छे ए खरेखर सराहनीय छे अने आ प्रवृत्ति आगळ वधे तो समाजना तमाम वर्गना बाळकों माटे आशीर्वादरूप साबित थशे। पप्पानी यादमां नाजूभाईए जे कार्यक्रम योज्यो तेमां सहभागी थवा बदल हूँ एमनी आभारी छूं अने तेमनी प्रवृत्ति बिरदावुं छूं। शाळा ट्रस्टना प्रमुख नाजू फळવાળાએ જણાવ્યું હતું કે મરહૂમ અહેમદ પટેલને જે સમાજસેવી અને પ્રજાલક્ષી કાર્યો કર્યા છે એ જનતા કદી ભૂલી શકે નહીં। એમણે ભરૂચ જિલ્લાનો સમતોલ વિકાસ કર્યો છે અને છેવાડાના માનવીની હંમેશા ચિંતા કરી છે। અમે તેમના રસ્તે જ 40 સેવા કાર્યો કરી રહ્યા છીએ। તેઓ મારા પ્રેરણારૂપ હતા, એમના વિચારોને લઈ આગળ વધવાનો અમે પ્રયત્ન કરીએ। અહેમદભાઈ ભલે નજરોની સામેથી દૂર થયા હોય પણ લોકોના દિલોમાં તો હંમેશા જીવંત રહેશે। आ प्रसंगे मोटी संख्या में समाज प्रतिष्ठित लोकोए पण हाजर रही आ कार्य ने बिरदाव्यु हतु अने अहमद भाई पटेल ने श्रद्धांजलि अर्पी हती। आया हूं नाजू भाई के एक बहुत अच्छे संस्था एजुकेशन के पहली दफा मैं यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरे पिताजी लेट अहमद पटेल जी चाहते थे कि अंकलेश्वर और भरूच डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी शिक्षा की सेवा हो और नाजुक भाई ने ये कर दिखाया है। हमारे अंकलेश्वर सिटी में हमारा नाजुक भाई के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है, घर का संबंध है और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग नाजुक भाई का सपोर्ट करें और इस स्कूल को और स्कूल के ट्रस्टीज को और आगे ले जाए। मेरी बहन मुमताज और मैं चाहते हैं कि भरूच डिस्ट्रिक्ट में जैसे मेरे पापा काम करते आए हैं हम भी काम करते रहेंगे और सभी नागरिकों का और बच्चों का और लोगों का ज्यादा डेवलपमेंट और अच्छी तरह से उनका प्रोग्रेस हो जाए। धन्यवाद। साहब की 74वीं जन्म जयंती है। हम लोग यहाँ भी इसी कैंपस में इसी ग्राउंड में 3 साल से इसी तरह से जन्म जयंती के मौके पे इकट्ठा होते हैं और 2 साल हमारी बहन आई थी मुमताज बहन और इस साल हमारे बीच हमारे भाई फैजल भाई भी उपस्थित हुए। अहमद भाई के लिए कहने जाए तो बहुत कुछ कह सकते हैं पर कुछ शब्दों में जो बात की जाए तो मैं कहूंगा नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि साकी गीतों को थाम ले, मजा तो तब है कि साकी गीतों को थाम ले। अहमद भाई पटेल ऐसी शख्सियत थे कि जब भी जरूर होती थी तो उनका हाथ हमेशा बड़ा हुआ होता था, किसी को अपना हाथ दे के ऊपर उठाते थे, कभी जरूर हुई तो किसी के सर पे अपना हाथ रखते थे, कभी जरूर हुई तो किसी की पीठ को थपथपाते थे,
कभी जरूर हुई तो उसी हाथ से किसी को खींच के अपने गले लगाते थे। वैसे हमारे प्रिय नेता की जो बात थी तो मैं यहाँ कहूंगा फैजल भाई मुमताज बहन के साथ की करनी और गतनी एक थी, जात साहब जो बोलते थे वही करते थे, यानी बहुत कम लोग होते हैं कि जिसकी करनी और गति एक होती है। तो उनमें अहमद पटेल साहब ऐसी एक शख्सियत थी, जहां से मैंने उनको देखा है, मैं बहुत करीब से उनको देखा है, तो उनकी करनी गति एक थी। साहब एक ऐसे इंसान के जो जन नेता थे और जन लोग लोगों की बात को सोचते थे, उन्होंने हमेशा जनहित की बात को प्रायोरिटी में रखा और जब भी जरूर हुई तो उन्होंने आम लोगों के तक पहुंचने के, जो जिसको हम बोल सकते हैं कि आखिरी इंसान तक पहुंचना चाहिए, जिन्होंने इतना डेवलपमेंट किया तो वो डेवलपमेंट ऐसा किया कि आखिरी इंसान तक वो डेवलपमेंट की पहुंचे, वो अहमद पटेल साहब की एक सोच थी।